हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज बेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पे मंगल बाजार सिले पे जो एकता होटल है वहाँ पे अक्सा मंजिल है वहाँ पे आए, जो कि एक भिवंडी के अंदर जो सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, तो वो आज खुशी की बात है कि वो आज यहाँ पे डिस्चार्ज होकर आ गए, भिवंडी अपने घर पर आ गए। तो हम उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर पर आए थे, तो हम उनसे कुछ बात करते हैं कि उनका ये जो सफ़र था बड़ा ही हमको मालूम है कि बड़ा ही कठिन था, बड़ा ही दुखदायक था उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी, लेकिन फिर भी जो सुविधा और जो वहाँ की फैसिलिटी थी हम उसके बारे में बात करेंगे उनके साथ में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है वापस आ गए यहाँ पर अपने घर सही सलामत। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ पे आपको एडमिट किए थे पहले अमंत्रा में आपको लेके गए थे और अमंत्रा से फिर आपको थाने सिविल में शिफ्ट किया था, तो अमंत्रा में आपकी फैसिलिटी कैसी थी और थाने सिविल में कैसा क्या था? अमंत्रा में ठीक था, मतलब वहाँ भी सुविधा था, सब तरह का कोई तकलीफ नहीं थी। अब यह है कि आदमी ऐसे हालत में थोड़ा घबराता है और फिक्र तो रहता है उसको, लेकिन वहाँ के बाद फिर जो हमको यानी कि 12 तारीख को लेकर गए सुहिल हॉस्पिटल में, तो वहाँ रखे थे पहले आईसीयू में, उसके बाद फिर ऊपर कर दिए 2-3 थोड़े दिन के बाद, और वहाँ भी मतलब ठीक था इंतज़ाम। बहरहाल गोली वगैरह दवा देते थे, खाना पीना ठीक था वहाँ? हाँ, खाना पानी भी मिलता था टाइम टेबल से, ठीक था। अच्छा, किसी घर वालों को मिलने की इजाज़त थी क्या वहाँ पर? नहीं नहीं, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा, तो मतलब सब का मतलब वहीं पे सारे हॉस्पिटल का स्टाफ ही आप लोगों का ध्यान रखता था? हाँ हाँ हाँ, सब स्टाफ ही ध्यान रखता था, गोली दवा वगैरह खाने पीने के लाइन से जो भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर मिलता था, कोई तकलीफ नहीं थी। और अच्छा, एक रूम में कितने लोग रहते थे, कितने मरीज थे कोरोना पॉजिटिव, एक रूम में कितने लोग थे? रूम में तो पहले जो गए थे उसमें तो वार्ड में 5 पेशेंट थे, 5 खाट था। उसके बाद दूसरे में गए तो उसमें जो है यानी 19 खाट था, मतलब 19 बेड था उसमें। अच्छा, हाँ, मतलब दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया था आपको बाद में? हाँ, बाद में दूसरे वार्ड में लेकर गए, तो उसमें जो है मतलब सब मिक्स रखते थे समझो। अच्छा। हाँ, कई पेशेंट एक एक मतलब जैसा बेड रहे तो उसमें हम लोग गए, अभी जो तीसरे माले पर थे उसमें 19 बेड था, पूरा फुल था सब। अच्छा। हाँ, एक साथ रखते थे, अलबत्ता यह है कि सब ये चीज़ वहाँ पे थी कि मास्क लगाने के बारे में सख्ती के साथ था कि वहाँ हर वक्त मास्क लगा के रखो। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये आपसे ही जानना चाहेंगे हम कि वहाँ पे आपका कितनी बार टेस्ट हुआ था कि फिर बाद में नेगेटिव आया, मतलब कितनी बार आपके पॉजिटिव आया और उसके बाद में नेगेटिव आया? हम लोग अमंत्रा में जब थे तो यहाँ 9 को टेस्ट लिए थे, उसके बाद जब वहाँ गए हम लोग तो एक 25 तारीख को लिए, दूसरा 26 को लिए। अच्छा। तो उसमें निगेटिव आया, लेकिन जो 26 यानी को जो लिए थे वो मतलब ख़राब हो गया, वो सैंपल ही ख़राब हो गया, कुछ बता नहीं रहा था, तो इसके लिए फिर मेरा टेस्ट जो है फिर 3 तारीख को लिए। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी निगेटिव आया, तो 25 वाला एक निगेटिव था, फिर 3 तारीख को जो है वो भी निगेटिव, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिया अल्लाह के फजल करम से। तो अभी आपकी सेहत अच्छी है, मतलब जो पहले थी और अभी के इसमें आपकी सेहत में कुछ तब्दीली है? नहीं, सेहत तो वैसे भी मैं अच्छा था और वहाँ भी तंदुरुस्त था, अच्छा, कोई मसला नहीं था, किसी किस्म की कोई अलामत जो है हमारे पास जाहिर ही नहीं हुआ, यानी जैसे बुखार है और जो जो बताते हैं वो कुछ नहीं था, मैं वहाँ भी तंदुरुस्त था, खाता पीता हर तरह से, मगर अब एक सुबह से समझ लो कि वहाँ पर हमको भेज दिया गया, तो अब वो तो अपनी फॉर्मेलिटी जितनी जो है वो पूरा करेंगे, पूरा अपना सारा प्रोसीजर अपना किए, जो पूरा कोर्स है तो पूरा किया, पूरा कोर्स उन्होंने पूरा किया, और जब टेस्ट किया तो सब निगेटिव ही आया मेरा। अच्छा, हाँ, अच्छा, मेरे पूरे परिवार का यहाँ पर जो किए थे वो पूरे परिवार का सबका निगेटिव आया। अच्छा। हमारे जो जमात हमारे साथ थी किए थे वो पूरी जमात का निगेटिव आया। अच्छा। हाँ, पूरे परिवार का निगेटिव आया सबका, फिर मेरा जो इतना भी वहाँ पर थाना सुहिल में यानी कि टेस्ट लिए सब पूरा निगेटिव आया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप अपने घर पे सही सलामत आ जाए। अभी हम ये दुआ करेंगे कि आपको ऐसे ही आपकी सेहत बरकरार रहे और इंशाल्लाह आपकी ईद भी अच्छी जाए। ये थे हमारे साथ में कोरोना के पहले पेशेंट, इनका नाम नहीं बताएंगे हम, लेकिन इन्होंने जो है कोरोना की जंग लड़ के और जीत के ये वापस अपने घर पर आ गए, तो इनके लिए हम द वॉइस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं।